Hello guys, welcome or welcome back to Logery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग फॉर क्लैट. ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था कि लॉजिकल रीजनिंग के लिए हम क्लैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से टॉपिक्स यू हैव टू कवर. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस. आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अराउंड विच यू शुड प्रिपेयर. ठीक है. एंड देन इवेंचुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बुक्स, कौन सा स्टडी मटीरियल है. कुछ फ्री मटीरियल भी है जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है. कौन सी बुक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उस वीडियो में. एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ देखनी है फॉर इंग्लिश, फॉर एनी अदर सब्जेक्ट, फॉर करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी कर दी हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू सी फॉर एनी अदर सब्जेक्ट इसके लिए मैंने नहीं कही हुई हैं तो कॉमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू डू अ वीडियो. डू आस्क योर क्वेरीज ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन Q&A सेशन जो कि हर संडे इसी चैनल पर होता है. 11 AM के अराउंड ये Q&A होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं. ये पेड सेशन होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप 1 इज टू नो हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं. ठीक है ना. अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, शायद आपने इनके बारे में कभी नहीं सुना होगा, बट इसके अंदर आपको बेसिक्स पढ़ोगे और फिर आप एक एक क्वेश्चन टाइप पकड़कर उनको समझोगे कि कैसे सॉल्व करना है. स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, वीक पूछ रहे हैं. ठीक है. ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा एक एक करके. ठीक है. डोंट टेक इट ऑल एट सेम टाइम, बट एक एक करके. कहाँ से पढ़ना है? ठीक है. आपको पढ़ना जो है वो है, बुक अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल करवाया हुआ मैंने logery.com पे, और MK पांडे से भी आप पढ़ सकते हैं. देखिए आप सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करिए फ्री PDF में से. अगर वहां से आपको वैसे तो समझ में आना चाहिए. देखिए इसका जो है आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ें. ठीक है. एक चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, नंबर 1. एंड नंबर 2 जो आपको करना है वो ये करना है कि जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको एक दिन में एक ही पेज समझ में आ रहा है तो वही पढ़िए. ठीक है. रिपीटेडली पढ़िए, रिपीट करें, बार बार पढ़ें और लिख कर पढ़ें. राइट एंड स्टडी. ठीक है. अपने आपको समझाते हुए पढ़ें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. एंड एमके पांडे से भी आप कर सकते हैं, बट ये LSAT बेस्ड बुक है तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ वन स्टेप यू शुड हैव नोट्स ऑन हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. मतलब आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, दैट यू हैव टू नो, यू शुड नो कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है. तो आप एक एक क्वेश्चन टाइप पकड़ोगे जो मैं आपको देने वाली हूँ. ठीक है. आप देखो कि कैसे करना है, क्या उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए इनको सॉल्व करने के लिए उस क्वेश्चन टाइप को, और उसके आप नोट्स बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, अंडरस्टैंड करोगे. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि नोट्स बना लिए समझ नहीं आए, नहीं. और आपको 4 to 5 रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आंसर करने, मतलब आपको प्रैक्टिस भी करनी है यहाँ पर. तो रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीजन बेस्ड आंसरिंग होनी चाहिए. देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, अच्छा आंसर सही आ गया, बहुत बढ़िया बात है. नहीं, क्या रीज़न सही है? आपने जिस वजह से वो ऑप्शन चूज किया, क्या वही बुक के अंदर भी कहा है कि हाँ इसी वजह से? अगर वो सही नहीं है तो आप रुकिए, आप उसको क्वेश्चन को पढ़िए, पैसेज को पढ़िए दोबारा से, और देखिए कि कहाँ पे आपकी रीजनिंग गलत है. अगर आप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चलेंगे और आपके पास नोट्स रहेंगे तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो रही है लॉजिकल रीजनिंग के लिए. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप 2 इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब आपको यहाँ पर आपने नोट्स बना लिए, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली है. ठीक है. सभी टाइप के क्वेश्चंस की अब बारी आती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और अगेन रीजन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें और स्पीड पर भी काम करें. सबसे पहले तो देखिए, जब एक बारी आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होना चाहिए कि हाँ मैंने समझ लिया. सेकेंड स्टेप के अंदर आप करेक्टनेस और रीजन पर काम करें. ठीक है ना. करेक्ट आंसर और रीजन पर काम करना है आपको सेकेंड स्टेप में. ठीक है. जब आपके करेक्ट होने लग गया, आंसर भी और रीजन भी सही आ रहा है, तब आप अपनी करेक्ट आंसर और स्पीड पे आ जाओगे. ठीक है ना. क्या बच्चे करते हैं कि पहले स्टेप के अंदर ही वो स्पीड भी अच्छी करने की कोशिश करते हैं, वो मत करिए. तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द PDF, जो ये logery.com का PDF है, यहां से सॉल्व करें और एमके पांडे में से भी सॉल्व करें. ठीक है. क्वेश्चंस एमके पांडे में से भी सॉल्व करें. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बाय मॉक टेस्ट फ्रॉम अपडेटेड पैटर्न क्वेश्चन. जितने भी फेमस पॉपुलर आपके लॉ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मॉक टेस्ट सीरीज आती हैं, वो आपको ऑब्वियसली बाय करनी पड़ेंगी, जो क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग करंट अफेयर्स बेस्ड है. तो अगर आप वो मॉक टेस्ट सीरीज बाय करते हैं और वहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं लॉजिकल के, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. GMAT क्लब करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए आपको स्टेप वाइज चलना है. बहुत बच्चे जो हैं वो मिक्स
मिक्स अप कर देते हैं सब कुछ कि पहले ये कर लो क्या ही फर्क पड़ता है. नहीं, पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर उस रीजन बेस्ड सॉल्विंग द क्वेश्चंस, फिर उसके बाद और सॉल्व करना है क्वेश्चंस, फिर स्पीड पे जब करेक्ट आंसर आने लग जाए तब स्पीड पर आना है. रिसोर्सेज आपके ये जो है मैंने सारे बता दी हैं कि ये फ्री है बिल्कुल. loggery.com पे डॉक्यूमेंट MK पांडे खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीदनी तो मत खरीदे, जरूरत नहीं है. वैसे मैं आपको ये सेकेंड ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है. और जो क्वेश्चन टाइप है वो PYQs में से सॉल्व करिए. क्वेश्चन टाइप PYQs, क्लैट के PYQs, GMAT क्लब में से क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप. नहीं तो बेस्ट है जो मॉक टेस्ट हैं अपडेटेड, वो मॉक टेस्ट रीसेंट बाय करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करंट जो रीसेंट रिसोर्स करंट अफेयर्स आती हैं उनके ऊपर बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग भी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए. और उसके लिए रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अगर आप साइड बाय, अगेन वही जो मैं इंग्लिश वाली वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ोगे, वोकैबुलरी पढ़ोगे, तो वो आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी. तो प्लीज़ डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा करिए, खुद से पढ़ने की कोशिश करिए. खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप मेरी एजुगिरी की क्लास अटेंड कर सकते हैं. एजुगिरी YT चैनल, यूट्यूब चैनल मेरा है, वहाँ पे 6 PM पे मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाती हूँ, वो अटेंड करें. अगर क्लैट के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना है, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड हैविंग गुड वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. खुद से कर सकते हो खुद से करो, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए एजुगिरी पर, वहाँ पे वोकैबुलरी भी कवर होती है और करंट अफेयर समझा भी देती हूँ मैं. उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे प्रॉमिस किया था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद बेस्ड ऑन द अदर्स आर्ग्यूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू डैश. तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, ठीक है. और ये आप देखेंगे LSAT वाली चाहे बुक है, चाहे आपके MK पांडे है, वहाँ पे ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट एक एक उठा करके उन्होंने LSAT वाले जो बुक है उसके अंदर कवर किया हुआ है. तो वो आप एक एक उठाइए कि आज मैं इसी के ऊपर रिसर्च करूंगा कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली पहले आप बेसिक पढ़िए कि अजम्पशन होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता क्या है, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन टाइप उठा लीजिए, ठीक है. आर्ग्यूमेंट्स के जो क्वेश्चन टाइप है वो उठा लीजिए एंड फिर उनको पढ़िए. आपको मे बी टाइप नहीं पता हो कि ये कौन से टाइप में फॉल करते हैं, वो आपको LSAT वाली बुक में क्लियरली वहां डिफाइंड है कि कौन सा वाला टाइप कहां पर फॉल करता है. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये टाइप आपको प्रिपेयर करना है. ऐसे ही मैंने इंग्लिश की भी आपको लिस्ट दी हुई है, वैसे ही मैंने अब आपको लॉजिकल की भी दे दी है. उसके बाद देखिए कहाँ पर है ये LSAT की बुक. यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल सारे मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं. ये loggery.com पर अवेलेबल है. loggery.com पर जाओगे, स्टडी मटीरियल वहाँ पर ऊपर ही दिख जाएगा आपको, और फिर आप वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में जाओगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी. मैं ट्राई करूँगी इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँ. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बुक अवेलेबल है, या आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है. देन आता है हमारा MK पांडे, ठीक है. MK पांडे की बुक में से हमें क्या क्या कवर करना है ये हम देखेंगे. तो गाइस, ये है आपका MK पांडे का इंडेक्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे MK पांडे से. देखिए, द बेसिक्स ऑफ लॉजिक अगर आप लेकर आ रहे हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि LSAT वाली जो बुक फ्री में अवेलेबल है उससे पहले करिए. अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे MK पांडे के लिए जाना ही है, आपको थोड़ा देखना है कि अच्छा इसमें क्या है, तो आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये बता रही हूँ मैं. सम इनफॉर्मल टिप्स, अजम्पशंस पढ़ेंगे आप, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे पूरा ही ये, इवेल्युएटिंग इन्फ्रेंस पढ़ना है, ठीक है. एंड फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है, बट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स करके टॉपिक है, वो आपको कवर करना होगा इस बुक में से. सो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं MK पांडे में से फॉर क्लैट. यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्लैट के बारे में बात कर रही हूँ. तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं. एंड Q&A सेशन जो फॉर फ्री होता है 11 AM इसी चैनल पर संडे को, वो ज़रूर अटेंड करें. एंड अगर आप मेरा 1-on-1 सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं. एंड अगर आपको न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा एजुगिरी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे 6 PM फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी द हिंदू की क्लास होती है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं. सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. दैट्स इट. loggery साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.